नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी। नजीबाबाद में सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद फैसल के समर्थन में यादव समाज ने विशाल जनसभा कराकर एकजुट होकर अपना पूर्ण समर्थन देते हुए चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। इस दौरान सपा विधायक हाजी तस्लीम अहमद ने कहा कि आज की सभा में उमड़े जन सैलाब से यह साबित हो गया है कि नजीबाबाद सीट रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रही है। नगर के मोहल्ला जाफ्तागंज में वीरेंद्र यादव एडवोकेट के यहाँ पप्पू यादव की अध्यक्षता व बैगराज यादव एवं अजीत यादव के संयुक्त संचालन में हुई जनसभा में सपा विधायक हाजी तस्लीम अहमद ने कहा कि नजीबाबाद हमेशा सपा का गढ़ है, आज भी कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। यहाँ से जब भी किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा है वह हारा है और जनता ने उसे नकार दिया है, इस बार भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में नगर में कोई विकास नहीं हुआ है। सपा जिलाध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि हाजी मोहम्मद फैसल को पार्टी ने उनकी वफादारी के रूप में नजीबाबाद से प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से पार्टी के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद फैसल को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। सपा प्रत्याशी हाजी फैसल ने कहा कि नजीबाबाद की आवाम ने हमेशा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर नगर पालिका भेजा है। इस बार जिस तरीके से नगर के हर मोहल्ले से प्यार और समर्थन मिल रहा है उससे यह एहसास होता है कि इस बार नजीबाबाद से सपा की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा कि नगर की सड़कें बेहाल है, नगर में कोई पार्क नाम की चीज़ नहीं है, जल निकासी की समस्या बनी रहती है। नजीबाबाद गंगा जमुना तहजीब का शहर है लेकिन पूर्वजों के नाम पर नगर में एक भी स्वागत द्वार नहीं बना है। उन्होंने कहा है कि विगत 10 वर्षों से रुके हुए विकास कार्यों को मैं कराने का काम करूंगा और जनता को विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आप लोग आगामी 4 मई को एक एक वोट साइकिल के निशान पर डालकर नजीबाबाद से हाजी फैसल को रिकॉर्ड मतों से जिताए। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्या, नजीबाबाद। हमारा युवा साथी फैसल समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। सभा को सजाने का काम जो किया है आपकी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मंच पे मंचाशी लोहा पुरुष हाजी तस्लीम साहब, जिले के कमांडर माननीय अनिल यादव जी और आप प्रत्याशी के रूप में हमारे बड़े भाई हाजी फैसल साहब, ना थकेंगे ना रुकेंगे। और हमारे भाई लक्की यादव जी, हमारे आदरणीय चाचा दिनेश यादव जी, सभी यादव समाज के सभी का नाम लेना। जो ये आज सभा आयोजित की गई है उसमें भाई वीरेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर बेगराज सिंह यादव, आदरणीय वीर सिंह जी, दिनेश कुमार यादव, मुनमुन जी, नीरज यादव, विवेक यादव और नीरज कुमार यादव और तमाम लोग मुझसे ये निवेदन कर रहे हैं। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।